25 जनवरी को रईस और काबिल का प्रदर्शन हुआ। इन दोनों फिल्मों के निर्माताओं ने तो करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को घाटा हुआ है, जबकि दोनों फिल्म के निर्माता फिल्म की सफलता का डंका पीट रहे हैं। दोनों ही फिल्मों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है, लेकिन वितरकों की लागत वसूल नहीं हो पाई है। काबिल कम बजट में बनाई गई। फिल्म के तमाम अधिकार और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को बेचकर निर्माता ने 90 से 95 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने भारत के सिनेमा घरों से 120 करोड़ रुपए के ऊपर का कलेक्शन किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म के लाइफटाइम बिजनेस को देखते हुए भारत के वितरकों को 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। खबर है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राकेश रोशन से विनती की है कि वे नुकसान हुई रकम की भरपाई करें। राकेश रोशन ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है और यदि वे 90 करोड़ की कमाई में से 25 करोड़ रुपए दे भी देते हैं तो भी वे फायदे में ही रहेंगे। दूसरी ओर राकेश रोशन ने इसे अफवाह बताते हुए कहा है कि ऐसी बातें काबिल की सफलता से जलने वाले लोग कह रहे हैं। हालांकि आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं।